जय हिंद दोस्तों, मैं संयम जैन। तो चलिए आज की जीके जीएस की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सबसे पहले 2 अक्टूबर को 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों क्या है सबसे फोकस करने वाली बात कि 2 अक्टूबर 1959 में सबसे पहला कौन सा राज्य था? तो दोस्तों वो था राजस्थान। राजस्थान में 2 अक्टूबर को 1959 में सबसे पहले जो कि पंचायती राज व्यवस्था की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा जो कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ये शुरुआत इसलिए थी ताकि एक स्थानीय शासन होगा और शासन व्यवस्था बहुत ही अच्छी होगी और सुंदर होगी, इसलिए जो कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी यहां से। उसके साथ साथ पूछा गया है कि भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है। तो यहां पर चार ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट है, संसद है, हाई कोर्ट है या निर्वाचन आयोग है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा संसद। जैसे कि आपको पता है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, और अप्रत्यक्ष मतलब हमारे द्वारा चुने हुए जो नुमाइंदे हैं वो लोग क्या करेंगे, वोट डालेंगे। तो वो लोग कौन है, संसद में बैठते हैं। संसद का निर्माण कैसे हो रहा है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को जब आप मिला देते हैं तो क्या होता है कि भाई आपके पास क्या होता है कि एक तरीके से यहां पर आपके पास जो कि संसद का निर्माण हो जाता है। अब आपको ये बात एकदम साफ पता होगी कि जो आपके पास राज्यसभा है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का। प्रथम सदन की अगर मैं बात करता हूँ तो राज्यसभा को कहते हैं, अगर मैं दूसरे सदन द्वितीय सदन की बात करता हूँ तो लोकसभा के बारे में मतलब बात करना चाहते हैं। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष राष्ट्रीय गान को स्वीकृति दी थी, मतलब कौन सा वर्ष था जब हमारे जो कि राष्ट्रीय गान को स्वीकृति दी थी। तो दोस्तों वो था आपके पास 1950 में क्या हुआ था कि भाई हमारा जो राष्ट्रीय गान है उसको क्या मिल गई थी, स्वीकृति मिल गई थी। उसके साथ साथ जो कि राष्ट्रीय गान, जैसे कि आपको पहले से पता भी है कि जो राष्ट्रीय गान है 52 सेकंड में जो कि गाया जाता है, लेकिन कुछ विशेष जगहों पर, विशेष जगहों का मतलब जो कि संक्षिप्त में बहुत छोटे उसमें, वो 20 सेकंड का भी गाया जा सकता है। और उसके साथ साथ इसको अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 24 जनवरी 1950 में जो राष्ट्रीय गान था उसको जो कि अंगीकृत करके स्वीकृति मिल गई थी। 52 सेकंड का वैसे समय होता है, लेकिन अगर संक्षिप्त में छोटे उसमें गाया जाए तो 20 सेकंड में भी इसको गाया जा सकता है। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहता है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य कैसे लिए गए थे, मतलब जैसे कि संविधान का निर्माण हो रहा था तो कैसे जो कि संविधान के निर्माण के लिए सदस्य का चयन किया गया था। तो बोल रहा है कि कहां कहां से आए, उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, मतलब कुछ जो प्रांत थे वहां से सीधे निर्वाचित हो गए, या सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के आधार पर चुना हुए, मतलब जो व्यक्ति जिसमें विशेषज्ञ है उसको वहां नियुक्त कर दिया जाए, या फिर यहां पर ये बोलना चाहता है कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए, जो अलग अलग प्रांत थे वहां से निर्वाचित हो गए। और चौथा और लास्ट ऑप्शन ये पूछना चाहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा निर्वाचित किए गए थे। तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा, फोर्थ क्वेश्चन है ये हमारा, फोर्थ क्वेश्चन का सी आंसर बिल्कुल सही होगा, जो कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए गए थे, मतलब अलग अलग प्रांतों के द्वारा क्या है, निर्वाचित किए गए, निर्वाचित करने के बाद जो कि वहां पर उनको नियुक्त किया गया और उन्होंने जो कि पूरी तरीके से संविधान का निर्माण किया, बहुत दूरदर्शिता सोच के आधार पर किया था। उसके साथ साथ यहां पर ये पूछना चाहता है, यहां पर क्या है कि आपसे ये पूछना चाहता है, इधर मैं कर देता हूं इसको, ये पूछना चाहता है निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। आपके पास 3 जंतु हैं, एक तो है समुद्री गाय, उसके साथ साथ समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह, ये 3 जंतु हैं, इनके ऊपर विचार करना है। क्या विचार करना है कि इनमें से कौन सा स्तनधारी है वो बताना है आपको, क्या केवल समुद्री गाय है या फिर समुद्री घोड़ा भी है या फिर समुद्री सिंह भी है। तो दोस्तों सबसे पहली बात यहां पर क्या है, समुद्री गाय स्तनधारी होती है और उसके साथ साथ समुद्री घोड़ा जो कि स्तनधारी नहीं होता और समुद्री सिंह भी स्तनधारी होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट और थ्री, केवल 1 और 3, मतलब बी आंसर इसका बिल्कुल क्या होगा दोस्तों, सही होगा, जो कि बी आंसर इसका बिल्कुल क्या है दोस्तों, सही है। उसके साथ
साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से किस निकाय का संविधान में उल्लेख नहीं है। ऐसा कौन सा निकाय है इनमें से कि जिसका संविधान में उल्लेख ही नहीं है, संविधान के अंदर वर्णन ही नहीं है। तो आपके पास तीन ऑप्शन है यहां पर कि राजकीय विकास परिषद, जो कि राष्ट्रीय विकास परिषद है ऐसा, या योजना आयोग है, या क्षेत्रीय परिषद है। ये तीन है आपके पास। तो दोस्तों यहां पर सबसे बड़ी चीज क्या है कि राष्ट्रीय परिषद विकास का भी कोई जिक्र नहीं है, योजना आयोग का भी नहीं है, और क्षेत्रीय परिषद, इन तीनों निकाय का जो कि संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। तो आपका आंसर बिल्कुल जो क्या होगा, सही कौन सा होगा जो यहां पर पूछा गया है कि जो कि केवल एक और दो होगा, या केवल टू होगा, सेकंड होगा, या जो कि केवल वन एंड थ्री, या वन टू थ्री, जो कि आपके पास क्या होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल इसका क्या होगा, सही होगा, क्योंकि हमारे पास तीनों चीजों का वर्णन जो कि संविधान के अंतर्गत बताया गया है। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई यहां पर पूछा गया है कि बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी, मतलब बंगाल के अंदर तिभागा में जो आंदोलन हुआ उसका वहीं से तिभागा नाम रखा गया, तो इनकी क्या मांग हुआ करती थी। तो दोस्तों यहां पर हमारे पास क्या है, चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में क्या है, भूमि का वास्तविक खेतिहर होने के नाते भूस्वामित्व कृषकों को प्रदान करना, या फिर भूमिदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से भी कम करके एक तिहाई करना, और उसके साथ साथ जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषि के बारे में जो कि उसके बारे में वर्णन करना, और उसके साथ साथ कृषकों के जो कि समस्त ऋणों को रद्द करना। तो इसका सही जो आंसर है दोस्तों वो होगा बी, क्योंकि यहाँ पर इनकी मांग थी कि जो हम आधा जमींदारों को देते हैं वो नहीं देंगे। अब क्या होगा, 2/3 भाग किसका होगा, किसान का होगा, और 1/3 भाग किसका होगा, जमींदार का होगा। ये मांग के आधार पर ये तिभागा जो कि क्या किया गया था, आंदोलन किया गया था दोस्तों। और उसके साथ साथ यहां पर तिभागा आंदोलन के तहत उसकी कुछ तस्वीरें भी हैं इस टाइप से, जो कि वहां पर किया गया था, और किसानों की ये मांग थी कि भाई 1/3 भाग जो कि जमींदार का होगा, और 2/3 भाग किसका होगा, हमारा होगा, तिभागा आंदोलन के नाम से इसको जाना जाता है। उसके साथ साथ यहां पर पूछा जाता है कि भाई विक्रय कर इसका भुगतान आपको टूथपेस्ट खरीदते समय भी करना पड़ता है, अगर आप एक मंजन खरीद रहे हैं तो उस समय पर भी आप उसका भुगतान करते हैं, तो निम्नलिखित में से किस प्रकार का वो कर होता है, कौन से प्रकार का वो कर है। तो दोस्तों वो जो कर है आपके पास वो होता है राज्य सरकार द्वारा जो कि आरोपित एवं संग्रहित कर, जो राज्य सरकार के द्वारा जो कि आरोपित किया जाता है और उसको संग्रहित कर होता है, संग्रहित किया जाता है, और उसको जो कि अलग अलग विकास के लिए अलग अलग चीजों के अंदर खर्च किया जाता है। उसके साथ साथ बोल रहे हैं जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है, जोखिम पूंजी से आपका क्या है, क्या तात्पर्य है, जोखिम पूंजी के बारे में ये पूछना चाहता है दोस्तों। तो जोखिम पूंजी का मतलब आपको यहां पर क्वेश्चन से ही समझ में आ गया होगा कि यहां पर रिस्क की बात हो रही है, कि मतलब जहां पर बहुत ज्यादा रिस्क हो। तो रिस्क कहां पर होता है आपके पास, 2-3 जगह पर। पहली चीज, आपने कोई नया बिजनेस किया है तो आपको रिस्क हो सकता है, या आप कहीं नई जगह पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी जगह पर, तो वहां पर आपको रिस्क हो सकता है। तो मतलब नई चीजों में ज्यादा रिस्क होता है। तो यहां पर देखो रिस्क से संबंधित जो भी चीज होगी वो आपका राइट आंसर होगा। उद्योगों की हानि उठाते समय उपलब्ध कराई गई निधियां, नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। उद्योगों कि प्रतिस्थापन एवं नवीकरण के लिए उपलब्ध कराई गई, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उद्योगों को उपलब्ध कराई गई जो कि अल्पकालीन पूंजी, ये भी नहीं होती। नए उद्योगों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी, मतलब नए उद्योगों के अंदर लगाई गई दीर्घकालीन जो पूंजी होती है, क्योंकि अभी उसका पता नहीं है कि वो जो कि बहुत ही ज़्यादा कितना हमें आउटपुट दे देगा, बहुत अच्छा देगा, बहुत बेकार देगा, तो इसके बारे में भी कुछ भी क्लियर नहीं है। तो इस वजह से क्या है, वो आपके पास बहुत ही ज्यादा जोखिम वाली पूंजी के नाम से जानी जाती है। जैसे कि अब ये व्यक्ति एक तरीके से जोखिम ले रहा है, तो वैसे ही जो कि वहां पर क्या होता है, वित्तीय का बहुत उच्च स्तर का जोखिम होता है, बहुत बड़े स्तर का क्या होता है, जोखिम होता है। ऐसा हो सकता है कि वो पूरी तरीके से लॉस्ट हो जाए। उसके साथ साथ यहां पर पूछना चाहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त है, मतलब कौन सा जो कि ऐसा हमारे पास अधिनियम है जिस
जिसके तहत क्या पूछा गया है कि विधान परिषद को भी बजट पे बहस करने की अनुमति दी गई है। तो इसका बिल्कुल सही जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1992 के तहत ये व्यवस्था की गई है कि भाई विधान परिषद भी बजट के ऊपर क्या कर सकता है, बहस कर सकता है, उसके ऊपर डिस्कस कर सकता है। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया किसके द्वारा, जो कि जोड़ा गया इसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे, लेकिन कौन से आंदोलन में जोड़ा गया यहां पर ये पूछना चाहता है। तो दोस्तों मैं आपको हिंट देता हूं, हिंट क्या है कि आपको ये हिंट है कि 1917 में जोड़ा गया था, 1917 में जोड़ा गया था। तो अब आप सोचिए 1917 में कौन सा आंदोलन हुआ था, कौन सा जो कि उस समय पर उस दौरान में चल रहा था। तो दोस्तों उस समय पर क्या था, चंपारण सत्याग्रह के दौरान में ये जोड़ा गया था, 1917 में जोड़ा गया था, और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो कि सबसे पहले संबोधित किया गया था महात्मा कह के। उसके साथ साथ पूछा गया है कि किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, मतलब जो कि कौन सी ऐसी उपलब्धि है कि ये पुरस्कार दिया जा सकता हो। तो वो है पर्यावरण रक्षा के लिए, पर्यावरण संरक्षण हो गया, तो उसके लिए क्या होता है आपको जो कि ग्लोबल 500 जो कि पुरस्कार दिया जाता है, और ये बहुत ही बड़ा सम्मान माना जाता है, और जो कि बहुत ही उच्च जो कि सम्मान के तौर पर इसको देखा जाता है। उसके साथ साथ ये पूछना चाहता है कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर ही प्राप्त होता है, मतलब 19(1)(d) को अगर 21 अनुच्छेद के साथ नहीं मिलाया जाएगा तो वो अधिकार प्राप्त नहीं होगा, ऐसा कौन सा अधिकार है। तो दोस्तों वो है विदेश यात्रा का अधिकार, जो कि जब दोनों को एक साथ मिलाकर पढ़ा जाता है तो ही आपको क्या होता है, विदेश यात्रा का अधिकार क्या होता है, आपको प्राप्त होता है, अदरवाइज आपको ये अधिकार प्राप्त नहीं होगा। उसके साथ साथ पूछा गया है यहां पर कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा करवाया गया है मोती मस्जिद का निर्माण। तो दोस्तों मोती जो मस्जिद है आपके पास, मोती मस्जिद का जो निर्माण था औरंगजेब ने करवाया था, और औरंगजेब ने जो कि इस मस्जिद को ऐसा कहा गया कि शाही मस्जिद के तौर पर इसका निर्माण करवाया था। इसमें तीन गुंबद हैं और उसके साथ साथ सफेद संगमरमर पत्थर से जो कि एक तरीके से इसकी नकाशी की गई है, और इसका जो निर्माण था 1659 में कराया गया था, और शाही जो कि मस्जिद के तौर पर इसको देखा जाता था। इसके साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, फिर मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।